जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट है ये। लास्ट टाइम हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होता है, उसकी मैकेनिज्म और उसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल। आज हम जानेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे होती है। Only those alkenes can undergo nucleophilic addition reaction which consists of negative mesomeric effect containing functional group. Alkene में ये reaction easily नहीं होती है, केवल selected alkenes ही nucleophilic addition reaction दिखाती है जो आपके exam में बनता है। एक अच्छा question। और वो एल्कीन के अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जिसका इफेक्ट नेगेटिव मेसोमेरिक हो, या आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस एल्कीन के अंदर एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है इसका इफेक्ट माइनस एम होता है, और माइनस एम होने की वजह से ये कॉन्जुगेशन के पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर विड्रॉ करेगा, जिससे यहाँ पर दो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएंगे। इन कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अकर्स एट कार्बोनिल कार्बन एंड बीटा कार्बन। तो देखिए ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्कीन, जिसमें लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ या कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ से हमने नंबरिंग की है 1, 2, 3, 4, और आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कहलाता है, और उससे अगला बीटा, उससे अगला गामा। तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा से ही वास्ता है। तो आप अगर देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ रिएक्शन हो पाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि एक है हमारा बीटा कार्बन और दूसरा है हमारा कार्बोनिल कार्बन। तो मैंने निशान लगा दिया है इन दोनों कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव टू इलेक्ट्रोफिलिक साइट सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन। सो इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस एट सेकेंड पोजिशन एंड इट वॉज टर्म्ड एज 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन। अब आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होना है कि अगर आपका सेकंड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कर रहा है, बॉन्डिंग करता है, तो वो कहलाएगा बच्चों 1-2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर वो फोर्थ कार्बन पे हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग कर रहा है, एडिशन कर रहा है, तो कहलाएगा 1-4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारी कहलाती है बच्चों अल्फा पोजीशन, ये कहलाती है बीटा पोजीशन। आपको पता है कि आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का 1-2 एडिशन करने वाले हैं, तो 1-2 के लिए देखिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन, सी डबल बॉन्डों का जो कार्बन है ये कहलाएगा कार्बोनिल कार्बन, और ये हमारा सेकंड कार्बन है। तो अगर यहाँ पर एडिशन होगा तो ये कहलाएगा हमारा 1-2 एडिशन, सेकंड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्डिंग करी कुछ इस तरीके से, और ये बन गया हमारा 1-2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एडक्ट। अब बात करते हैं बच्चों 1-4 एडिशन। तो आप देखिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर फोर्थ पोजीशन कहाँ है सर, यहाँ पर है, और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जाएंगे, सेम टाइम ये इधर जाएंगे, तो बच्चों फोर्थ कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से कुछ बॉन्डिंग करेगा ऐसे, जिससे न्यूक्लियोफाइल जो है फोर्थ कार्बन पे एडिशन के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ये ओ पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये हमारा बन गया है बच्चों अनसैचुरेट एल्कोक्साइड आयन, एडक्ट तैयार हो गया है, जिसको आप सिंपली बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कोक्साइड आयन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डज नॉट अकर एट अल्फा कार्बन और थर्ड पोजीशन। ये देखिए यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, ये पोजीशन होगी 1-2-3 और ये फोर्थ पोजीशन। इसका मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ कार्बन की तरफ मूव करने चाहिए, तब जाके हमारा अल्फा कार्बन डेफिशिएंट होगा और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर पाएगा कुछ ऐसे। अब आप ये देखिए जो आपका यहाँ पर बना है एडक्ट, ये अनस्टेबल होगा, इसको
रेजोनेंस जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और आप जानते हैं कि वो रिएक्शन नहीं जाती है जहां पर बनने वाला इंटरमीडिएट जो हो अगर वो अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको रेजोनेंस इसको कॉन्जुगेशन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कॉन्जुगेटेड एडिशन प्रोडक्ट टोटोमेराइजेस इनोल टू कीटोन और एल्डिहाइड। पिछली वीडियो में आपने रिएजेंट देखा था, हमने रिएजेंट कुछ ऐसे दिखाया था, मान लीजिए यहाँ पे रिएजेंट ये ना हो के कुछ ये अगर है तो आप जानते हैं यहाँ से H+ मिलेगा आपको, और वो जो H+ है बच्चों वो जुड़ जाएगा आपके एल्कोक्साइड एनायन पे O- पे, तो आपका चाहे 1-2 एडिशन हो या 1-4 एडिशन हो वहां पर आपको मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद इनोलिक फॉर्म अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल H है तो, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये इनोल है आप जानते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है OH भी आ रहा है, तो कंपाउंड कहलाएगा इनोल। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगी और टोटोमेरिज्म होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोनिक फॉर्म में, COH बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ में और ये कंपाउंड कहलाता है कीटो। क्लियर हुआ आपको? और आप जानते हैं कि कीटो और इनोल आइसोमर के अंदर कीटो फॉर्म जो होती है डेट इज मोर स्टेबल देन डेट ऑफ इनोल। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ये क्लियर करती है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर चाहे वो 1-2 से हो या 1-4 पोजीशन से हो वहां पर कीटो फॉर्म कैसे बनाई जाती है। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ कि अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ कहाँ हो सकता है? तो आपको मालूम पड़ा कि सर वो कार्बोनल कार्बन यानी सेकंड पोजीशन या फिर फोर्थ पोजीशन बीटा कार्बन पे होता है जिससे आपके प्रोडक्ट जो बनेगा वो इनोल बनेगा। इनोल जो होता है वो टोटोमेरिज्म दिखाता है और टोटोमेरिज्म के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में। क्लियर बच्चों? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।